उमेश गुप्ता लिखित निबंध संग्रह व्यस्क मताधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर नामावली में सम्मिलित होने से अपात्र नहीं समझा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष की अवस्था से कम नहीं है निर्वाचक मतदाता के रूप में शामिल होने का हकदार है। व्यस्क मताधिकार एक विधि द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकार है जो मूल अधिकार से अलग है। इस पर विधि अनुसार मानसिक चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्ट आचरण या अवैध आचरण के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। इसी कारण जेल में सजा भुगत रहे कैदी अथवा पुलिस अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति लोक प्रतिविधिक अधिनियम की धारा 62(5) के अंतर्गत रोक लगाई जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रत्याशी के पूर्व चरित्र जानने का अधिकार मतदाता को प्रदान किया गया है और प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नामांकन भरते समय अपना रिकॉर्ड, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी देने का पूर्ण अधिकार बना दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर नामावली में सम्मिलित होने के अपात्र नहीं समझा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष की अवस्था से कम नहीं है निर्वाचक मतदाता के रूप में शामिल होने का हकदार है। व्यस्क मताधिकार एक विधि द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकार है जो मूल अधिकार से अलग है। इस पर विधि अनुसार मानसिक चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्ट आचरण या अवैध आचरण के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस कारण जेल में सजा भुगत रहे कैदी अथवा पुलिस अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति लोक प्रतिविधिक अधिनियम की धारा 62(5) के अंतर्गत रोक लगाई जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रत्याशी के पूर्व चरित्र जानने का अधिकार मतदाता को प्रदान किया गया और प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नामांकन भरते समय अपना रिकॉर्ड, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी देने का पूर्ण अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मतदाता को सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक अभिन्न अंग है। प्रत्याशी को नामांकन भरते समय निम्नलिखित 5 सूचनाएं देना अनिवार्य किया गया है। पहला, क्या प्रत्याशी को पहले किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, दोष मुक्त किया गया है अथवा बरी किया, यदि ऐसा है तो उसे जेल की सजा या जुर्माना किया गया है। दूसरा, नामांकन पत्र भरने से 6 मास पहले क्या प्रत्याशी किसी ऐसे अपराध के मामले में आरोपी ठहराया गया है जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसमें आरोप तय किए गए हों या न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, यदि ऐसा है तो उसका विवरण। तीसरा, प्रत्याशी या उसके पति या पत्नी अथवा आश्रितों की परिसंपत्तियां, चल अचल, बैंक बैलेंस आदि। चौथा, प्रत्याशी की देनदारियां और विशेषकर क्या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा सरकार की देनदारियां बाकी हैं। पांचवा, प्रत्याशियों के शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। लोगों का मानना है कि भारत में भीड़ तंत्र है। यहां पर भीड़ के द्वारा भीड़ में से भीड़ जैसे लोग दबंगता के आधार पर चुने जाते हैं। अधिकांश मतदाता अशिक्षित हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मतदान का उसकी शिक्षा के आधार पर मूल्यांकन होने पर ही बेदाग छवि वाले चुनकर जा सकते हैं। दागदार छवि वाले लोग बाहुबल, धनबल, गनबल के आधार पर चुनकर आते हैं, जिसके कारण स्वच्छ और निर्मल छवि वाले लोग उनका सामना चुनाव में नहीं कर पाते हैं। इस कारण स्वच्छ छवि वाले लोग चुनकर नहीं आते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और वर्ग विशेष के व्यक्तियों के मध्य समानता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। भारतीय संविधान में शिक्षा के आधार पर विभेद, बिहार राज्य विरुद्ध बिहार राज्य प्रवक्ता संघ AIR 2007, SC 1948, JK मोहन विरुद्ध भारत संघ एवं AIR 2008, SC 308 के अनुसार शिक्षा के आधार पर विभेद किया जाना युक्ति युक्त है।
वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में यदि भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा शिक्षा के आधार पर विभेद करते हुए वोट की गिनती की जाए तो भीड़ तंत्र को लोकतंत्र में बदला जा सकता है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें वोट विधानसभा, संसद के निर्वाचित सदस्य और जनसंख्या के आधार पर विभेद करते हुए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शिक्षा और शिक्षा के आधार पर विभेद किया जाता है। यदि वोट की गिनती भी शिक्षा के आधार पर की जावे तो बेदाग छवि वाले लोग सामने आएंगे और लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा। लोग अपने वोट के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए एक लंबी कानूनी बहस और कानूनी जंग की आवश्यकता है।